गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग गिव अवे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको गिव अवे के बारे में बता सकती हूँ और उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना ये बता सकती हूँ, तो मिस मत करना, पूरा स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक अमेजिंग फेशियल जो कि बहुत ही सस्ते में हो जाता है और ग्लो आपके स्किन पे बहुत ही अमेजिंग आता है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे इस फेशियल के और रिजल्ट आप खुद इस वीडियो में देखोगे कितना अमेजिंग आया है। तो चलिए इस फेशियल को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फेशियल का पहला स्टेप है क्लेंजिंग, या आप इसको स्क्रबिंग भी बोल सकते हो। इससे क्लेंजिंग भी होगी, आपकी स्क्रबिंग भी होगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा मार्केट वाला नहीं है तो आप घर पे जो चावल होते हैं उसको बहुत ही बारीक पीस के चावल का आटा बना सकते हो। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे शहद। शहद इतना ऐड करना है कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। कम से कम 2 से 3 चम्मच शहद इसमें ऐड कर लीजिए। चावल का आटा एक बहुत ही अच्छा स्किन का स्क्रबर होता है और जो शहद होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ग्लोइंग बनाता है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा स्क्रब बन के रेडी है। अपने फेस पे अच्छे से इससे स्क्रबिंग करनी है। बहुत ही माइल्ड होता है, कोई भी स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकता है क्योंकि चावल का आटा बहुत ही बारीक होता है। इससे आपकी स्किन की सारी डेड स्किन निकल जाएगी, स्किन आपकी एकदम इंस्टेंटली ग्लोइंग और फ्लॉलेस बनेगी। 2 से 3 मिनट बस आपको स्क्रबिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। शहद की वजह से स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी और ग्लोइंग बनेगी। 2 से 3 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है मसाज क्रीम, और ये मसाज क्रीम कोरियन और जापनीज लोग यूज़ करते हैं अपनी स्किन को ब्राइटन करने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए पके हुए चावल। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है पके हुए चावल। इसको आपको ब्लेंडिंग जार में डाल देना है। साथ में यहाँ पर आपको ऐड करना है दूध 1 चम्मच और आपको 1 चम्मच इसमें शहद ऐड करना है। तीनों चीज़ों को बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेना है। एक बार जब ये पेस्ट बन जाता है तो इसको आपको क्लीन बाउल में निकाल लेना है। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी मसाज क्रीम बनके रेडी है। इसको आपको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है और बहुत अच्छे से मसाज करना है। जैसे जैसे आप इससे अपने फेस पे मसाज करोगे आपकी स्किन एकदम इंस्टेंट ब्राइटन होगी, ग्लोइंग बनेगी। कोरियन और जापनीज वुमेन इस मसाज क्रीम को यूज़ करती हैं अपने स्किन को ब्राइटन करने के लिए। इससे स्किन ब्राइटन भी होती है, ग्लोइंग भी बनती है और अगर रेगुलर बेसिस पे आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी स्किन पे एजिंग वाले साइंस नहीं आते, एंटी एजिंग को ये प्रमोट करता है। 5 से 6 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद आपको अपने फेस पे ग्लो खुद दिखेगा, कितना अमेजिंग ग्लो आएगा। फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा चमक रही है, कितनी ब्राइटन हो चुकी है। दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट जिसको मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ में इसको शेयर कर देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनिक नेत्रा के काजल के बारे में। ये वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक नेत्रा का, जो कि बहुत ही प्योर है और बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए। मेरे साथ यूजुअली ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जब भी कोई भी काजल या मस्कारा अपनी आईज पे अप्लाई करती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह होते हैं इस वजह से। बट ये काजल मैंने कुछ दिनों से यूज़ किया है और ये काजल यूज़ करने से कोई भी सर में दर्द नहीं हो रहा क्योंकि कम्प्लीटली नेचुरल चीज़ों से बना है। ये बना है कैस्टर ऑयल, शिया बटर, कोको बटर, आलमंड बटर, इस तरह की बहुत ही अमेजिंग चीज़ों से, जो कि इसको बनाता है वन ऑफ इट्स काइंड। आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं कुछ तरीके आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ है और मैं अब आपको पहले इसे एज अ काजल अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे एज अ काजल अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे आप इसे लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप इसे एज अ काजल अप्लाई कर सकते हो, विंग लाइनर लगा सकते हो, नॉर्मल लाइनर लगा सकते हो, बोल्ड आई लुक क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं 2-3 लुक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो मैंने इसे क्रिएट किए हैं। पहला लुक आप देख सकते हो काजल का कितना अमेजिंग आया है। बहुत ही ईजी है, ये जेंटली अप्लाई हो रहा है और ग्लाइड बहुत ही ईजी होता है। इसका कलर जो है जेट ब्लैक है, 100% टॉक्सिन फ्री है ये। कोई इसमें मर्करी नहीं है, कोई लेड नहीं है और ऑर्गेनिक चीज़ों से बना है, साथ साथ ये एक वेगन प्रोडक्ट है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे एक विंग लाइनर वाला लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपली ऐसे जिसमें करके दिखा रही हूँ वैसे आप क्रिएट कर सकते हो एक विंग लाइनर का लुक भी इस काजल से। बोल्ड आई कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे अभी बोल्ड आई लुक ही कैरी किया हुआ है, मैंने इस काजल से ही इसे क्रिएट किया है। तो चलिए इसको बना लेते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लुक आया है, बहुत ही ईजिली ग्लाइड हो रहा है। ये इतना ज़्यादा प्योर है कि इसे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस भी इसे यूज़ कर सकती हैं। किसी भी तरह के आप अगर पेशेंट हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक हैं या कोई भी पेशेंट है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कितना ज़्यादा प्योर है। तो ऑर्गेनिक मेत्रा के इस काजल को बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और बहुत ही सस्ता भी है ये और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में एक गिव अवे है, तो आप में से 3 लकी विनर को ये ऑर्गेनिक नेत्रा का काजल मिलेगा अगर आप गिव अवे के रूल्स को अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने 4 फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है मेरी इंस्टा आईडी पे जो कि है ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील। आप खोलोगे आपको ईजिली मिल जाएगी। डीएम करके मुझे आपको दिखाना है कि आपने कम से कम 4 लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया है, और नीचे जितना हो सके आपको कमेंट करना है। जो लोग ये चीज़ ज़्यादा करेंगे उनमें से 3 लकी विनर्स को मिलेगा ये गिव अवे में। ये 3 काजल, मतलब एक एक काजल 3 लकी विनर्स को मिलेगा। थर्ड स्टेप है हमारा फेस पैक, और ये हमारे इस फेशियल का लास्ट स्टेप है। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा। ये सारा फेशियल मैंने राइस पे बेस किया है क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है राइस हमारी स्किन के लिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन 3 से 4 ड्रॉप्स। स्किन को हाइड्रेट भी करेगी, मॉइस्चराइज भी बनाएगी और ग्लोइंग भी बनाएगी। थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे, इससे स्किन लाइटन होती है, ब्राइटन होती है और दाग धब्बे दूर होते हैं। लास्ट में इसमें ऐड कर देना है आपको दूध और अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ये फेस पैक बन के रेडी है। सिंपली आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करके आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ब्राइटन और ग्लोइंग बन चुकी है इस सिंपल से फेशियल को करने से, जो कि मोस्टली इंग्रेडिएंट हमारे घर पे ही होते हैं, कुछ भी बाहर से परचेज नहीं करना पड़ेगा। और जो ग्लो आपकी स्किन पे आएगा हर कोई देखते रह जाएगा और हर कोई पूछेगा आपने कौन सा फेशियल कराया है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पर मुझे सारे पिक्स शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।